नित्याय गौर हरि बो हरि बो हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके भूमिज्ञानवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवस्सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु ज्ञानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते जयतां सुरतोर्भंगुर्मा मंदमतेर्गति
मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवौ पृष्ट्रालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतागदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ा पवित्र और पावन दिवस है, शिवरात्रि है, तो इसके उपलक्ष्य में आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गाया हुआ शिवाष्टकम को उच्चारण करेंगे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद शिवजी का महिमा, भले शिवजी के पत्नी से बढ़कर भला कौन जान सकता है, स्वयं जो दाक्षायणी सती है उनके मुखारविंद से उद्धृत 13 श्लोक है 4 स्कंद में, जहाँ शिवजी के महिमा को गान करते हुए और दक्ष के परिवार के साथ या दक्ष की पुत्री होने के नाते ये असह्य भाव उत्पन्न हुआ और सती ने आत्महत्या कर लिया। अपने ही शरीर से उत्पन्न हुआ जो शिवजी का विरह अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला दिया, वो प्रसंग में जो 13 श्लोक है दाक्षायणी के द्वारा उसको हम थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत सारे बातें हैं, 13 श्लोक इधर हैं, इधर 8+1 9 श्लोक हैं, उन श्लोकों को जितना हो सके उतना जल्दी करने के लिए प्रयास करेंगे। तो पहला शिवाष्टकम को उच्चारण करेंगे, मेरे बाद उच्चारण करने के प्रयास करें। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाताय मृडाय नित्यम् गङ्गातरङ्गोत्थितबालचन्द्र चूडाय गौरी नयनोत्सवाय सुतप्तचामीकरचन्द्रनीला पद्माप्रवालाम्बुदकान्तिवस्त्रै सुनृत्यरङ्गेष्टवरप्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय सुधांशसूर्याग्निविलोचनेन तमोभिवेदेत जगतः शिवाय सहस्रवत्रोपरि संस्थिताय सहस्रसञ्जीवत्वतेजसेस्तु नागेशरत्नोज्ज्वलविग्रहाय शार्दूलचार्माशुकदिव्यतेजसे सहस्रवत्रोपरि संस्थिताय वराङ्गदमुक्तभुजद्वयाय सुनूपुरारञ्जितपादपद्मा शरत्सुधावृत्यसुखप्रदाय विजेतरत्नोगविभूषिताय प्रेम्नामेवाद्यहरो विदेहि श्रीरामगोविन्दमुकुन्दशौरे श्रीकृष्णनारायण वासुदेवा इत्यादिनामामृतपानमत्था
ಶೃಂಗಾದಿಪಾಯ ಕೀಲ ದುಃಖಹಂತ್ರೇ ಶ್ರೀನಾರದಾದ್ಯೈ ಸತತಂ ಸುಗೋಪ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತಾಯ ಸುವರಪ್ರದಾಯ ತೇಭ್ಯೋ ಹರೇರ್ಭಕ್ತಿ ಸುಖಪ್ರದಾಯ ಶಿವಾಯ ಸರ್ವಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ನೇತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಗಳಾಯ ತತ್ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ರಸಪ್ರದಾಯ ಸದಾ ಸಮುತ್ಕಂಠ ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾ ಕಾನ ಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮೋಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಏತತ್ ಶಿವಾಷ್ಟಕಮದ್ಭುತಂ ಮಹಾತ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಹರಿ ಪ್ರೇಮ ಲಭೇತ ಶೀಘ್ರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಮಪೂರ್ವ ವೈಭವಂ ಯೋ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪರಮಂ ಸಮಾದರಂ ಯೋ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪರಮಂ ಸಮಾದರಂ ಬಡೇ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಬಡೇ ಆದರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಏತತ್ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ಏತತ್ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ಈ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂಕೋ ಜೋ ಪಡ್ತಾ ಹೇ ಶೃಣ್ವನ್ ಸುಂತಾ ಹೇ ಉಂಗೋ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ ಹರಿ ಪ್ರೇಮ ಲಭೇತ ಶೀಘ್ರಂ ದೇಖಿಯೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇ ಕಿ ಜೋ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂಕೋ ಗಾನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಉಂಗೋ ಹರಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ ಕೋಯಿ ಸೋಚ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಕಿ ಅರೆ ಹಮ್ ತೋ ವೈಷ್ಣವ ಹೇ ಆಪ್ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂಕೋ ಕ್ಯೋ ಗಾನ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಜೋ ಸ್ವಭಾವ ಠೀಕ್ ನಹೀ ಬಡಾ ಅಪರಾಧ ಹೇ ಶಿವಜಿ ಕಾ ಕೃಪಾ ಸೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮೇ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಗ್ ಹೇ ಜೊ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಕಹತೆ ಕಿ ಮೇ ಶೈವ್ ಹೂ ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೇ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ದರ್ಶನ ನಹೀ ಕರೂಂಗಾ ಕುಛ್ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಕಹತೆ ವೈಷ್ಣವ ಹೂ ಮೇ ಶಿವಜಿ ಕಾ ದರ್ಶನ ನಹೀ ಕರೂಂಗಾ ಏಕ್ ಮಂದಿರ ಹೇ ಚಿದಂಬರಂ ಮೇ ಚಿದಂಬರಂ ಬಡಾ ಸುಂದರ್ ತಿರುಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಕಾ ಗಯಾ ಉಸ್ಕೋ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕಾ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಹೇ ವೋ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ತಟ್ ಪೆ ಹೇ ಬಡಾ ಸುಂದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇ ಏಕ್ ಹೀ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಶಿವಜಿ ಭೀ ಹೇ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭೀ ಹೇ ಉದರ್ ಕಾ ಜೊ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಉದರ್ ಕಾ ಶಿವಜಿ ಕಾ ನಾಮ ಹೇ ನಟರಾಜ್ ಉದರ್ ಆಜ್ ಭೀ ಜಬ್ ವೈಷ್ಣವ ಜಾತೆ ಹೇ ಶಿವಜಿ ಕಾ ಮಂದಿರ್ ವೋ ಬಾಜು ಹೇ ಈ ಬಾಜು ಸಮಝ ಲೀಜಿಯೇಗಾ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಮಂದಿರ್ ಯಾನಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಜಿ ಕೋ ವಿಗ್ರಹ ಇದರ್ ಹೇ ತೋ ಐಸಾ ಹಾಥ್ ಪಕಡ್ ಕೆ ಜಾತೆ ताकि शिव जी का दर्शन नहीं करेंगे खाली विष्णु का ही दर्शन करेंगे तो शैव लोग आते हैं विभूति धारण करके वो हम विष्णु का दर्शन नहीं करेंगे खाली शिव जी का दर्शन करेंगे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि वो दोनों एक ही मंदिर में क्यों हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए हैं नटराज जी नृत्य कर रहे हैं शिव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शिव जी नृत्य कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इनके स्थान इनका नाम पड़ा नटराज कृष्ण के लिए नाचता वो नटराज है शिव जी का नाम नटराज क्यों पड़ा क्योंकि ऐसा नहीं कि वो नृत्य में वो श्रेष्ठ है इसकी वजह से नटराज नहीं हो क्योंकि कृष्ण के लिए नाच रहे इसकी वजह से वो नटराज है और आराम कर रहे गोविंद राज जी उधर ऐसा लेटे हुए हैं बहुत सुंदर विग्रह है गोविंद राज जी का विग्रह और उनका विग्रह का और एक प्रतिरूप रामानुजाचार्य ने तिरुपति में स्थापना किया और गोविंद राज जी दर्शन कर रहे शिव जी का नृत्य को देख के आनंद ले रहे हैं और हम जाएंगे बीच में उन्हें नहीं एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति है इसलिए वैष्णव मतलब जो शिवजी का जो स्थान है उसको जानता है तो शिवजी का गान करने से हमको कृष्ण प्रेम लभेत शीघ्रम शीघ्रम जल्दी से प्राप्त होता है शृण्वम हरि प्रेम लभेत शीघ्रम केवल हरि प्रेम ही नहीं ज्ञानम च विज्ञानम अपूर्व वैभवम ज्ञान भी प्राप्त होता है क्या ज्ञान बोलो हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है भौतिक ज्ञान बोलो आध्यात्मिक ज्ञान बोलो ब्रह्म ज्ञान बोलो जो ज्ञान बोलो फिजिक्स बोलो केमिस्ट्री बोलो कुछ किस 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 चीज़ की बोलो सब ज्ञान प्राप्त हो क्योंकि सारे ज्ञान के प्रणेता शिवजी ये भूतनाथ हैं सारे पंचमहाभूत उनके नियंत्रण में हैं
ही इज द कंट्रोलर ऑफ एलिफेंट्स, इसलिए उनको भूतनाथ कहा जाता है। भूतों के नाथ है उसके लिए भूतनाथ है, लेकिन वहाँ से कहते हैं पंचभूत भूतों के नाथ है, इसकी वजह से शिव जी है। हमारे पास जो कपड़ा है प्राप्त हुआ है वो शिव जी की कृपा से, घर प्राप्त हुआ शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ, हर चीज़ शिव जी की कृपा से, शिव जी का अनुमति नहीं है तो आपको एक भी चीज़ प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञानम च विज्ञानम, विज्ञान भी प्राप्त होता है, अपूर्व वैभवम, अपूर्व ऐसा देखा नहीं गया ऐसा वैभव भी प्राप्त होता है ये शिवाष्टकों को गान करने से। तो सारे श्लोकों का अर्थ और चर्चा करना मुश्किल होगा, पहला श्लोक से थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर चर्चा करते हुए जाएंगे। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय, इसका अर्थ क्या है? शिव जी जो है त्रिदेश त्रिदशा, त्रिदशा के अनेकों अनेक अर्थ है। एक अर्थ है कि तीन दशा यानी मुक्कोटि देवता, 33 कोटि देवताओं के ईश्वर है। त्रिदशा यानी सत्व रजस्तम, तीन दशाएं, और तीन दशा का अर्थ है भूत भविष्य वर्तमान, ये सब तीन दशाएं हो सकती हैं, यानी उनके ईश्वर है। भूतादिनाथाय मृडाय नित्यम, भूतादिनाथाय सारे जीवों के लिए वो नाथ है, और सारे पंच महाभूतों के नाथ है। गंगत रंगोत्तित बालचंद्रा, शिव जी के सर के ऊपर एक सुंदर चंद्र का चंद्रमा है, चंद्रमा ने आश्रय लिया। जब दक्ष ने शाप दिया था चंद्र को, क्योंकि तुम ज़्यादा रोहिणी विद्या आसक्त हो, चलो मैं तुमको शाप देता हूँ क्षीण हो जाओगे, तो और कोई आश्रय नहीं मिला, केवल शिवजी आश्रय मिले। शिवजी ने चंद्र को स्थान दिया, इसलिए उनको चंद्रमौलीश्वर कहा जाता है। ये घटना शिवजी का तपस्या करके, शिवजी को प्रसन्न करके चंद्र शिवजी का शरण लिया, ये घटना उडुपी में हुआ। उडुपी मंदिर में जाओगे तो उधर चंद्रमौलीश्वर मंदिर है, उसी इस क्षेत्र को उडुपी उडुपा कहा गया है, जहाँ उडु यानी नक्षत्र, पा मतलब पति, यानी नक्षत्रों के पति कौन है? चंद्र। चंद्र जिस जगह जाके शिवजी का शरण ग्रहण किया उस जगह को उडुपी कहा गया है। तो इधर गंगा तरंगिता बालचंद्र, इतना ही नहीं चंद्र ही शरण नहीं लिया, साथ साथ में कौन है? गंगा जी जो है शिवजी जटाओं को धारण करते हैं। शिवजी का नाम, शिवजी कहाँ से हुआ या शिवत्व, शिवजी का शिवत्व कहाँ से प्राप्त हुआ? जब गंगा को शिवजी ने अपने सर पे धारण किया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धोते हुए आए जो है गंगा चरणामृत, वो चरणामृत को जो तीर्थ है भगवान श्री कृष्ण शिवजी ने अपने सर के ऊपर धारण किया, तब उनको शिवजी को शिवत्व प्राप्त हुआ। और सुतप्त जामीकर चंद्र नीला, और उनका कैसा है स्वरूप कैसा है? सुंदर सोने के वर्ण का स्वरूप है। पद्म प्रवालाम्बुद कांति वस्त्रेय, वो कैसे वस्त्रों को धारण कर रहे हैं? पद्म प्रवालाम्बुद, जैसे नीले वस्त्र जो होता है उस प्रकार के रंग को प्राप्त वस्त्रों को धारण किए। श्रुत्य रंगेष्ट वर प्रदाया, नृत्य रंगेष्ट वर प्रदाया, सुंदर दृश्य है। और सारे जितने भी लोग हैं उनको वरदान प्रदान करते, खास करके नृत्य रंगेष्ट सुनृत्य, नृत्य के जितने भी कलाकार है वो शिवजी के कृपा के बिना वो आगे कला को आगे बढ़ा नहीं सकते। इस संसार में जितने भी कलाएं हैं सारे कलाओं का भौतिक स्रोत अगर कोई है तो शिवजी हैं। नारद जी भी अपनी वीणा कहाँ से प्राप्त किए? शिवजी से प्राप्त किए। आप जाएंगे उधर रुद्रप्रयाग में, उधर आज भी वो शिवलिंग है जहाँ नारद जी ने उपासना किया था, उधर नारद शिला भी है। अभी तो बड़ा बाढ़ में थोड़ा बह गया थोड़ा शिला, तो उस शिला की ओर बैठे हुए नारद जी शिव जी का आराधना करते हैं और कई किए हैं तपस्या करके वो शिव जी प्रकट होते हैं। प्रकट होकर उन्होंने संगीत का विद्या को उन्होंने स्वीकार किया, प्राप्त किया। सुधांशु सूर्याग्नि त्रिलोचनायाम, सुधांशु का अर्थ है चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये तीन नेत्र शिवजी के हैं, एक सूर्य है, एक चंद्र है और एक अग्नि है। सूर्य से निग्रह और चंद्र जो और एक आँख है उसके अनुग्रह, एक विग्रह निग्रह अनुग्रह, इसलिए शिवजी का एक नाम है विरूपाक्षा। एक ही साथ में निग्रह भी करते हैं अनुग्रह भी करते हैं। सूर्य के द्वारा, सूर्य मतलब तेज, तेज के द्वारा निग्रह मतलब शासन करना, दंड देना इत्यादि। जो टाइम डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें जो पूरा इंचार्ज है भौतिक स्तर में वो है शिवजी, उसके बाद आते हैं यमराज, उसके बाद आते हैं सूर्य, सूर्य के बाद यमराज आते हैं, ये टाइम डिपार्टमेंट को देखभाल करने वाले हैं। तो इसकी वजह से
निग्रह करते हैं, काल के द्वारा सबको निग्रह करते हैं, शासन करते हैं और साथ साथ में अनुग्रह भी करते हैं। और तीसरा अंक है, क्या है वो? शिव जी का अग्नि प्रलय, प्रलय करते हैं। क्यों प्रलय करते हैं? कोई कह सकता है इतने दयालु है शिव जी, प्रलय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब देखते हैं मैं इतना सारा व्यवस्था प्रदान कर रहा हूँ जीवों को, मैं घर दे रहा हूँ, मैं सुविधा दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, ताकि ये सब लेके, सुविधा लेके कृष्ण भजन करे। जब कृष्ण भजन नहीं करता जीव, शिव जी सोचते चलो इस बार नहीं किया तो अगले जन्म में कर लेगा, इसलिए मृत्यु आता है। मृत्यु के पीछे मूल कारण कौन है? शिव जी है। वो सोचते हैं कि मैंने उनको इतना सारा सुख सुविधा दिया, ये जन्म में भक्ति नहीं किया, चलो और एक मौका देता हूँ, और एक शरीर देते हैं शिव जी, चलो हमको और एक शरीर प्राप्त हुआ, और आशा लेके बैठे, जैसे पिता आशा लेके बैठते हैं ना, मेरा बच्चा कम से कम ये साल तो पास हो जाएगा चलो ये साल नहीं तो अगले साल, ये साल भी चलो और बेटा चलेगा, और एक साल, ऐसा सुविधा बढ़ाते जाते हैं ताकि अच्छा पढ़ाई करके पास हो जाए, पास होके हम इस संसार से मुक्त हो जाए, पास होके कॉलेज से निकल जाए ऐसा पिताजी इस प्रकार आशा करते हैं, शिवजी आशा करते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उस समय शिवजी सोचते हैं बस अब बंद करो अभी स्कूल कॉलेज बंद करो अभी तो ये प्रलय है। प्रलय के पीछे एक वही कारण है, शिवजी क्यों करते? क्योंकि एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते, इसलिए शिव जी को फ्रस्ट्रेट मत करना भजन करना बाद में सुधाम से सूर्याग्नि विलोचनाया तमो विभेदेत जगत शिवाया तमो विभेदेत। सारे संसार में तमस अंधकार को भेदन करने वाले शिव जी हैं और जगत शिवाया सारा जगत को पवित्र करने वाले हैं। और रहते कहाँ हैं? महा अपवित्र स्थान जिसको आप शमशान मानते हो, लेकिन सारा जगत को पवित्र करने वाले हैं। देखो विरोधाभास अद्भुत है शिव जी का। शिव जी शिवलिंग होता है उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ ऐसी चीज़ें उसकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, शालिग्राम की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, शिवलिंग की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, भागवत की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, तुलसी की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वाभाविक तरीके से प्रतिष्ठा के बिना वो उधर शिव जी है। ऐसे जगत शिवाया, आप देखिए भारत में खास करके जहाँ कहीं भी जाइए वो आपको शिवालय तो मिलेगा ही, बाकी देवताओं को देवता या किसी का भगवान का मंदिर मिले ना मिले, लेकिन शिव जी का जरूर प्राप्त मिलेगा। खर्च कहीं भी जाए गली गली में रहता है, ये आश्चर्य की बात है। तो विदेश में भी रहता है, विदेश में भी है। तो एक बार आनंदपुर हमारे मंदिर के भक्त है, वो मीर रोड के थे, अभी जू के थे पहले, बाद में मुंबासा गए, तो उधर नज़दीक में शिवलिंग है, मुंबासा कहाँ देखो, तो शिवलिंग की प्रतिष्ठा पहले के चोल राजाओं ने किया था। तो आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाइए शिव जी का लिंग होगा, क्यों? जगत शिवाया, सारा जगत को कल्याण करने के लिए है। और सहस्त्र सूर्यांश सहस्त्र रश्मि, उनके शरीर से हजारों सूर्यों के भांति जितना प्रकाश उत्पन्न होता है ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। सहस्त्र सूर्यांश सहस्त्र रश्मि वरांग मुक्त भुजत्वया, तो उनके हाथ बड़े लंबे चौड़े हैं, उनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, आजान लंबित है, और नागेश रत्नोज्ज्वल विग्रह आया, और वो गले में क्या धारण किए हैं? सर्प को धारण किए। सर्प कौन है? स्वयं अनंत है। अनंत देव के मुखारविंद से अनंत भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गान का श्रवण कर रहे शिव जी, और इसलिए वो हमेशा वो गान को धारण करते हैं, अनंत देव को धारण करते हैं। शार्दूल चर्मा सुख दिव्य तेजसे, शार्दूल यानी बाघ का जो चर्म है उसको धारण किए हैं, दिव्य तेजस है। और सहस्त्र पत्रों पर संस्थित आया, हजार पंखुड़ी वाले जो कमल है उसके ऊपर स्थित है शिवजी। वरांगदा मुक्त भुजद्वयाया, सुरूपुरारंजित पाद पद्मा, सुरूपुरारंजित पाद पद्मा नूपुरों से सुशोभित है उनके चरण कमल। और क्षरत सुधा भृत्य सुख प्रदाया, उनके भक्तों को बड़ा कृष्ण प्रेम का अमृत को पान कर रहे करा रहे हैं। और विचित्र रत्नोज्ज्वल विग्रह विभूषिताय, अनेकों अनेकों रत्नों के द्वारा विभूषित है। प्रेम नाम एव अद्य हरे विदेही, हे शिवजी आप मुझे हरि का प्रेम जो है अद्य अभी आप मुझे प्रदान कीजिए।
और कोई बोल सकता है शिव जी करते क्या है, यही करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक याद भी कर सकते हैं आज के दिन। श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पानमत्थ भृंगाधिपाय किल दुःख हंत्रे। जैसे मधुमक्खी होता है वो अपना ही मधु को पान करके मदमत होके लेटा रहता है, उसी प्रकार शिवजी हमेशा मदमत है। किसमें मदमत है? जो कृष्ण नाम का जो मद है उसको पान करके। कृष्ण नाम गोविंदर श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे श्री कृष्ण नारायण इत्यादि नामामृत, इस प्रकार के जो भगवान श्री कृष्ण के नामों का जो अमृत है सुधा है उसको पान करके मदमत हो गए। मधु है उसको पान करके मदमत हो गए, हमेशा ये कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं। बाद में इतना ही नहीं, क्या उनको ज्ञान है क्या, क्या नामामृत में मदभुक के रहते हैं, ज्ञान है क्या? शिवजी का ज्ञान जो है वो साधारण नहीं है। श्री नारदादेहि सततम सुगोप्या, श्री नारदादे नारद जैसे इत्यादि महान ऋषिगण, नारद बोलिए और जितने बड़े बड़े ऋषि हैं, विद्वान ऋषि है, गौतम ऋषि बोलिए, कोई भी कितना अंगीर ऐसा, जितने बड़े बड़े ऋषिगण हैं, देव ऋषि हो सकते हैं, राज ऋषि हो सकते हैं, हर प्रकार के विद्वान, इतना हत्या कि चतुष्कुमार तक हर एक व्यक्ति कहाँ जाते हैं? शिवजी के पास जाते हैं, जाके पूछते हैं ये गीता का श्लोक है उसका अर्थ बताइए। सततम सुगोप्या गोपनीय रूप में पूछते हैं, एकांत में जाके पूछते हैं कि ये भागवत का ये जो श्लोक उसका अर्थ सुनाइए, वेद मंत्र है, इस वेद मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है सुनाइए। तो शिवजी का विशेषता देखिए, वो शिवाय गौरी सर्वगुरवे नमः, शिवाय सर्वगुरवे नमः, वो सारे लोगों के गुरु है। जैसे अभी आप देखिए हमारे मंदिरों में, ये कॉलेज प्रीचर है, ये IIT कॉलेज प्रीचर है, ये जो कॉन्ग्रिएशन प्रीचर है, ये चिल्ड्रन प्रीचर है, ये लाइफ मेंबर प्रीचर है, लेकिन शिवजी जो है हर प्रकार के प्रीचर है। हर व्यक्ति को अकॉर्डिंग में अकोमोडेट करते हो, भूत प्रेतों से लेके नारद जैसे महान लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। ये ऑलराउंडर है शिवजी, ऐसा नहीं कि हमारा स्पेशलाइजेशन करके कुछ नहीं है, स्पेशलाइजेशन हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। सर्वगुरवे नमः, सारे लोगों का गुरु अगर कोई है तो शिव जी। वैसे शास्त्र में कहा गया है, जैसे मान लीजिए कि हमारे गुरु प्रभुपाद जी हैं, या आप जैसे दीक्षा लिया आपके गुरु हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं लेकिन किसी और को गुरु नहीं हो सकते। जैसे प्रभुपाद जी हमारे गुरु है लेकिन जो इस्कॉन से जुड़े नहीं हैं, कोई किसी और से दीक्षा कहीं और जुड़े हैं, वो उनके गुरु नहीं है। लेकिन शिव जी कौन है? वो सर्वगुरु है, आप उसको उनका शरण लो ना लो, हाँ उनको स्वीकार करो ना स्वीकार करो, बाय डिफॉल्ट वही गुरु है हमारे। हर व्यक्ति के गुरु है, जो नहीं चाहता है ना शिव जी को बोलते नहीं मैं आपको गुरु नहीं मानता हूँ, शिव जी बोलते फिर भी मैं आपका गुरु हूँ। ये है दया, जो शरणागत है उनको शिक्षा देना वो ठीक है, वो गुरु का कर्तव्य है देना, लेकिन शरणागत नहीं है उसको पकड़ के शिक्षा देना ये आसान काम थोड़ी ना है। इसलिए सर्वगुरुवे नमः, आप जाके देखिए, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि नहीं, हम प्रीचिंग डिपार्टमेंट है, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग प्रीचिंग ऐसा, भूत प्रेतों का प्रीचिंग डिपार्टमेंट है। शिव जी को बुलाना पड़ेगा, ये भूत प्रेतों के संभालो भूत, हाँ उनको भी सेवा में लगाते हैं हम। एक बार जैसे रुक्मिणी का पुत्र हुआ तो सत्यभामा बहुत ईर्ष्या हो गई, अरे हमको पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र नहीं दिया। तो शिव कृष्ण ने कहा तो टाइम लगेगा ना पुत्र, हर चीज़ समय के अनुसार होता है। नहीं नहीं मैं सुनी हूँ शिव जी के पास जाने से हमको पुत्र प्राप्त होता है, चलो चलो। कृष्ण ने कहा ठीक है तुम बोलती हो तो चलते हैं। तो सत्यभामा और शिव जी से मिलने गए, सत्यभामा और कृष्ण। रास्ते में एक जगह आता है, बहुत सुंदर स्थान है, आप जब अगली बार जब बदरी यात्रा करोगे श्रीनगर जाइएगा, उधर कमलेश्वर महादेव करके है एक मंदिर है, उधर जाना ज़रूरी है, उधर ही लीला हुई। तो उधर रामचंद्र ने भी किया था, कृष्ण ने भी किया था, हजार कमलों के द्वारा शिवजी का आराधना कर संकल्प लिया था कि हमको पुत्र हो, शिवजी का प्रकाश प्रकट हो। तो शिवजी का लिंग है और हजार पत्रों के द्वारा, कमल पत्रों के द्वारा भगवान को अर्पण कर, शिवजी को अर्पण कर रहे कृष्ण मंत्रों को उच्चारण करके। तो क्या हो, शिवजी ने क्या किया, एक कमल का पत्ता जो है उसको उन्होंने क्या कर दिया, उठा दिया। तो 999 हुआ, अभी हजारवा कहाँ से लाएंगे। तो कृष्ण ने सोचा
हजारवां कमल तो है ही नहीं, और लोग बोलते हैं कि मेरा नाम कमल लोचन है। तो उन्होंने अपनी आंख को निकाल के अर्पण कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए। तो ये इस प्रकार का अन्योन्य संबंध है कृष्ण और शिव जी के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कैलाश चलते हैं। शिव जी तो सत्यभामा और कृष्ण दोनों कैलाश जा रहे हैं। कैलाश के बस अभी आउटस्कर्ट्स में है, गेट के अंदर प्रवेश किए, तो उधर कौन है, दो भूतों ने देखा है। अभी तो ये दो भूत अपने आप से बात करने लगे, कौन है ये भूत? ने कहा जानते नहीं हो, यही है वो व्यक्ति जिनका गुणगान हमारे प्रभु शिव जी करते हैं, शंकर जी करते हैं, और पार्वती समेत हमारे इनका ही गुणगान होता है, जानते हो, यही इसी प्रकार का नीला रंग का है। अच्छा ऐसा है क्या, चलो हमारे जो शिव जी के आराध्य है, जिनके विषय में 24 घंटा गान करते हैं, वैसे कृष्ण आए सत्यभामा के साथ में, चलो हम स्वागत करते हैं। अब चलो कृष्ण और सत्यभामा, खास करके सत्यभामा द्वारका के पटरानी हैं, अब इधर स्वागत किसके द्वारा हो रहा है? जब भूतों के द्वारा स्वागत होगा क्या हालत होगी, स्वागत माना जाता है क्या उसको? इधर कूद रहे, उधर कूद रहे, नाच रहे, वो कर रहे, और अपने आनंद को व्यक्त कर रहे, स्वागत कर रहे, आए बोलते कभी इधर पीछे जाते, आगे जाते हैं। सत्यभामा बोले कहाँ आ गए, चलो इधर से वापस। कृष्ण ने कहा तुमने तो बोला था आने के लिए। बड़ा सुंदर प्रसंग है, और कैसे भी करके आए। जैसे आए शिव जी अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, अचानक कृष्ण को उधर देख के, सत्यभामा के साथ में देख के दग्ध होकर खड़े हो गए। अरे प्रणाम करने वाले थे लेकिन कृष्ण मौका नहीं दिया, कृष्ण गुणगान करने लगे शिव जी का, और शिव जी दग्ध हो गए, अरे क्या मेरा क्या गुणगान कर रहे हो आप? और सारे शिव परिवार को के आंखों में आंसू, हमारे आराध्य भगवान हमारा गुणगान कर रहे करके। ये है न्यून संबंध शिव जी का। भूत प्रेतों को भी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। वैसे तो अनेकों अनेकों स्टोरीज है भूतों के विषय में। एक बार क्या हुआ था, शिव जी कृष्ण प्रेम में नाम संकीर्तन नृत्य करते नाच रहे, वैसे तो कुछ पहनते नहीं, लंगोटी रहता है, वो भी निकल गया। और उनको होश ही नहीं है, नृत्य करते जा रहे पूरा दिगंबर होके, और दो भूतों ने देखा है, हंसने लगे शिव जी को देख के। तब शिव जी ने कहा गेट आउट। दोनों भूतों ने प्रार्थना की, अगर आप गेट आउट कर दोगे हमको, हमारा कौन सा रास्ता है, और कोई शरण नहीं देगा, आशरण शरण, जिनका कहीं शरण नहीं है वो आप शरण हो, अगर आप भी हमको तिरस्कार करोगे हम कहाँ जाएंगे, हमारा अपराध आप स्वीकार मत करो, हम तो भूत है, हम तो हमारा कोई संस्कार नहीं, कुछ भी नहीं है, आप हमारे प्रति इस प्रकार क्रोधित मत। शिव जी ने कहा मेरे प्रति अपराध किया करके, मेरे ऊपर हंसे करके, मेरा कोई आपके प्रति कोई गुस्सा इसके लिए नहीं है, मेरा क्रोध इसलिए क्योंकि जब मैं नृत्य कर रहा था, कृष्ण नाम संकीर्तन में नृत्य कर रहा था, कृष्ण प्रेम में मदमग्न होते नृत्य कर रहा था, उस कृष्ण प्रेम को तुमने आदर नहीं दिया, तुम लोगों ने तुम पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम कृष्ण प्रति आपने अनादर किया, जाओ। उन्होंने कहा रास्ता क्या है, तो जाओ जाके कृष्ण के ऊपर तपस्या करो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण अगर बोलेंगे स्वीकार करो मैं स्वीकार करता हूं। तब वो आए, दोनों भूत आए, एक क्षेत्र में आए जिसका नाम है भूतपुरी, नाम बड़ा भूतपुरी। तो उधर तपस्या किए, भगवान से प्रकट हुए, आदिकेशव के रूप में प्रकट हुए, और शिवजी को बुलाए, कहा कि इनको माफ़ कर दो। तो शिवजी ने कहा इनका शुद्धिकरण तभी होगा जब अनंत सरोवर में स्नान करेगा। तो अनंत देव प्रकट हुए, बड़ा सरोवर बना, तो उधर अनंत देव का सरोवर में स्नान किए। शिवजी ने कहा तुम इधर एक शहर का निर्माण करो और इधर कृष्ण का मंदिर निर्माण करो, तभी मेरे पास आ सकते हो। यानी तुमने कृष्ण प्रेम यानी श्री कृष्ण पर अपराध किया, उसका अपराध का क्षय तभी होगा जब कृष्ण के लिए मंदिर बनाओगे। तो वही पुरी है जो आज प्रसिद्ध है श्री परमदुर के नाम पर, जहाँ रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, उस जगह का मूल नाम है भूतपुरी। उधर शिव जी का भी मंदिर है और अनंत देव भी है। तो वैसे अनेकों अनेकों बातें हैं। शिवाय सर्वगुरवे नमः, भूतों भूत प्रेतों से लेके नारदादे सुदुख सुगोप्या। बाद में श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय, गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय, गौरी के नेत्रों के उत्सव है शिव जी, हमेशा गौरी देव दर्शन कर रहे, शिव जी का
गुणों को, शिव जी को दर्शन करके क्या रस को आस्वादन कर रही है गौरी? वह है कृष्ण प्रेम रस को शिव जी के मुखारविंद से आस्वादन कर रही है। तत्प्राणनाताय रसप्रदाय, कौन सा रस को प्रदान कर रहे? कृष्ण कथामृत का जो रस है उसको प्रदान कर रहे। सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, बड़ा सुंदर शब्द है, काली तो इतना याद करे। शिव जी क्या करते हैं? सदा गोविंद लीला को गान कर रहे। कैसे? समुत्कंठता से गान कर रहे हैं। समुत्कंठ सम्यक रूप है, उत्कंठता, उत्कंठा दो दो विश्लेषण है, कंठा उत्कंठा समुत्कंठा, देखो सा और उत दो 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 विश्लेषण है। समुत्कंठ गोविंद लीला, बड़े उत्सुक साथ, बड़े अप्रेम के साथ गोविंद लीला को गान कर रहे हैं। गान प्रवीणाय नमोस्तुभ्यम, ऐसे शिवजी जो गान प्रवीणाय, गान करने में बड़ा एक्सपर्ट है, प्रवीण है, वैसे शिवजी को नमोस्तुभ्यम, ऐसे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये अगर कोई संगीत में प्रवीण बनना चाहते हैं शिवजी से प्रार्थना करना चाहिए। तो ये तो शिवाष्टम, इसका अर्थ मैंने कहा। अभी इस श्लोक में, आखिरी वाला श्लोक में, आठवाला श्लोक में कहा श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाया। ठीक है, शिवजी को कहा जाता है अर्धनारीश्वर, आधा भाग जो पार्वती है और आधा भाग शिवजी है। पार्वती के पिछले जन्म में दाक्षायणी दक्ष की पुत्री थी और शिवजी को उनको प्राप्त करना था, पति के रूप में उन्हें प्राप्त किया। दक्ष ने ब्रह्मा जी के आदेश के ऊपर दाक्षायणी को प्रदान किया जो सबसे प्रिय थी दक्ष के लिए। ठीक है, शिवजी को विवाह करा देता हूँ, करा दिया। तो बाद में प्रसंग इस प्रकार का है, आप जानते हो चौथे स्कंद में तामसिक भक्त का वर्णन आया दक्ष का, चौथे स्कंद में राजसिक भक्त, राजसिक भक्ति करने वाले ध्रुव महाराज का वर्णन आया, और सात्विक भक्ति प्रचेताओं का, पितु महाराज का, और शुद्ध सत्व के जो भक्ति करने वाले जो प्रचेताओं का, चार लीलाएं चौथे स्कंद में प्राप्त होता है। क्योंकि तीसरे स्कंद में कपिल मुनि ने अपनी माता देवती को कहा था तामसिक भक्ति है, राजसिक भक्ति है, और सात्विक भक्ति है, और शुद्ध सत्व की भक्ति, चार प्रकार का है। तो चार प्रकार के लोगों को लो चार लीलाएं चौथे स्कंद में प्राप्त होता है। दक्ष तमस, तमस का अर्थ है अहंकार, कि मैं, मेरे से बढ़कर कोई है नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, पदवी से उत्पन्न हुआ अहंकार, ये सब जो है उसकी वजह से अपराध होता है। तो दक्ष ने अपराध किया था, वो स्टोरी सब मालूम है, इसकी वजह से मैं उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा। लेकिन पार्वती के पिछले जन्म में सती को शिव जी ने कहा था मत जाओ, क्योंकि दक्ष जो है वो अपमान करता है, तुम अपमान को सहन नहीं कर पाओगी। दक्ष दाक्षायणी ने कहा, सती ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं, मैं अपनी मायके नहीं जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत। शिव जी ने मना किया था, फिर भी बुद्धि कम है, आसक्ति होती है तो बुद्धि को नष्ट कर देती है, आसक्ति बुद्धि को नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। शिव जी को त्याग करके गई अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने के लिए। जब भाग लेने के लिए गई तो देखी क्या, उनके बहनों ने स्वागत किया, उनकी माँ ने स्वागत किया, लेकिन कि पिता ने देखा तक नहीं, फिर भी ठीक है सहन करते रही। लेकिन आहुति चढ़ रही थी, सारे देवताओं का आहुति चढ़ रहा है, लेकिन शिवजी का आहुति जाते, शिवजी ने कहा था अपने भूतगणों को जाके उनको रक्षा करो, साथ साथ में जाओ। जब उन्होंने देखा बड़े क्रोधित हो गए, शिवजी को आहुति नहीं चढ़ाया जा रहा है, और सभी लोग दक्ष के ऊपर प्रहार करने गए। तो सती ने कहा रुको, ऐसा क्रोध में कैसे भाव में, कौन से भाव में गान कर रही है? उनके क्रोध तो हृदय में बहुत, स्वतेज भूतगणान समुत्थितान निगृह्य देवी जगतो अभिनिषतः। तो उन्होंने ये दक्ष को डांटने लगी, अपने पिता को डांटने लगी बड़े क्रोध के साथ, जो अहंकार था उनका, यज्ञ का अहंकार था। ये इसमें, ये प्रसंग में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होती है, इसलिए मैं प्रसंग ले रहा हूँ। लीलाओं तो ठीक है, गुणगान लीला सब होती है, शास्त्रों में रहता ही है, लेकिन मुख्यतः शिक्षाएं जो है ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देव उवाचा, न यस्य लोके स्थितिशाय न प्रियस्तता प्रियो देह वृताम प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त
ವೈರಕೆ ಋತೆ ಭವಂತಂ ಕತಮಾ ಪ್ರತೀಪ್ಯತೆ. ತೋ ಅಪ್ನಿ ಪಿತಾ ಕೋ ಕಹತಿ ಹೇ ನಯಸ್ಯ ಲೋಕೇಸ್ತಿ ಅತಿಶಾಯನ ಪ್ರಿಯ. ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಶಿವಜಿ ಸೇ ಬಡಕರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ ನೀ, ಅತಿಶಾಯನ ಪ್ರಿಯ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಿಯ ಹೈ. ಔರ್ ತಥಾ ಅಪ್ರಿಯೋ ದೇಹವೃತಾಂ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮನಃ. ದೇಹವೃತಾಂ ಸಾರೆ ಜೀವೋ ಕಿ ಆತ್ಮಾ ಕಿ ರೂಪ ಮೇ ಹೇ. ಔರ್ ಹೇ ದಕ್ಷ, ಋಥೇ ಭವಂತಂ ಆಪ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಕತಮಃ ಪ್ರತೀಪ್ಯತೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಐಸಾ ಕೋಯಿ ನೀ ಆಪ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಜೋ ಶಿವಜಿ ಕೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೋ. ಶಿವಜಿ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಿಯ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಹೇ ಪಿತಾ ಯೇ ಆಪ್ ಕಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಜೋ ಬನೆ ಜೋ ಶಿವಜಿ ಸೇ ಆಪ್ನೆ ದ್ವೇಷ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಶಿವಜಿ ಸೇ ಬಡಕರ್ ಕೋಯಿ ಪ್ರೇಮ ದೇನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಹೈ. ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಐಸಾ ಕೋಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಹೀ ಜೋ ಶಿವಜಿ ಸೇ ಪ್ರೇಮ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಹೋ. ಆಪ್ ಹೀ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೋ ಜೋ ನಿಕಲೆ ಜೋ ಶಿವಜಿ ಸೇ ದ್ವೇಷ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೋ. ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹೂ, ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಮೇ मान लो कि आपने द्वेष किया, कोई द्वेष कर सकता है, द्वेषी व्यक्ति के ऊपर द्वेष कर सकता है, किसी और के ऊपर द्वेष कर सकता है, लेकिन शिवजी जैसे महान व्यक्ति के ऊपर द्वेष करना ये कहाँ का न्याय है. तब एक बड़ा सुंदर श्लोक को गान करती है जो सारे वैष्णवों को याद करना चाहिए और उसकी व्याख्यान को भी जानना चाहिए. दोषान परेशान हि गुणेषु साधवो गृणन्ति केचिन्नववादृशो द्विजा ಗುಣಾಂಶ ಗುಣಾಂಶ ಪಲ್ಗೋನ್ ಬಹುಳೀಕರಿಷ್ಮನೋ ಮತ್ ಮಹತ್ತಮಾಸ್ತ್ವೇಷ ವಿದತ್ ಭವಾನಘಂ. ಅಗರ್ ಆಪ್ನೆ ದ್ವೇಷ ಕ್ಯಾ ಕೋಯಿ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವ್ರ ಚಲೇಗಾ, ಯಾ ಕೋಯಿ ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ದ್ವೇಷ ಕ್ಯಾ ಚಲೇಗಾ, ಕೋಯಿ ಅಚ್ಛಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ದ್ವೇಷ ಕ್ಯಾ ತೋ ಭೀ ಚಲೇಗಾ. ಶಿವಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಹೀ ಹೈ, ವೋ ಕೌನ್ ಹೈ, ವೋ ಅತಿ ಮಹತ್ತಮಾನ್ ಅತಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧು ಮಹತ್ತಮ ಸಾಧು. ತೋ हमारे आचार्य गणों ने इसके ऊपर व्याख्या किया. चार प्रकार के साधु होते हैं, चार प्रकार के असाधु होते हैं. एक होते हैं साधु, दूसरा होता है साधुतरा, और तीसरे होते साधुतमा, और चौथे होते अति साधुतमा. जैसे अंग्रेजी में होता है ना गुड बेटर बेस्ट, वैसे ज्ञान ज्ञान ज्ञानतरा ज्ञान गुह्या गुह्यतर गुह्यतमा, वैसे ही साधु साधुतरा साधुतम और अति साधुतम, ये चार लेवल के साधु होते हैं. और असाधु कितने प्रकार के होते हैं, वो भी चार प्रकार के होते हैं. वो असाधु असाधुतरा असाधुतम और अति असाधुतरा असाधु अति असाधुतम. अभी उनकी व्याख्यान कर देखिए कि दोषान परेशान ही गुणेशु साधवः. साधु लोग क्या करते हैं, गुणान परेशान, दूसरे लोगों का गुण को देखते हैं और कहते हैं ये दुर्गुण है ना, वो भी कभी कभी अच्छा हो सकता है, ऐसा मानते हैं. जैसे कोई किसी ने आपको एक शरबत दिया, जूस है करके बोला, आपने पिया तो कड़वा है, तो गुस्सा तो आता है, कड़वा जूस दिया, जूस बोल के कड़वा नहीं जी दिया, नीम का दिया. फिर भी सोचा ठीक है, हो सकता है मेरे अंदर जो डायबिटीज है वो कम हो जाए. तो गुस्सा को शांत करने के लिए क्या किया आपने, दूसरे को दोषों को आपने हाँ अच्छे के रूप में मेरी भलाई के लिए होगा वो आपने सोचा. तो वो कहती हैं हे शिवजी जो है वो केवल इतना ही नहीं है, वो केवल साधु ही नहीं है, उससे बढ़कर है. असाधु कौन होता है, असाधु होता है कि अच्छा को भी बुरा मानने वाला. मान लो कि आपके पास कोई आके बोला ठीक है क्या कुछ मदद चाहिए क्या, किसी ने आपसे पूछा अच्छा मुझे मदद करके मुझे कंट्रोल करना चाहता होगा, हाँ इसके पास इससे कुछ नहीं लेना, ऐसा सोचना यह असाधु है. यानी अच्छे व्यक्ति को भी बुरा मानना, अच्छे गुणों को भी बुरा मानना, ये असाधु है. अभी और एक स्टेप आगे है, साधु तरा. वो कौन है जो सोचता है दुर्गुणों को नजरअंदाज कर देता है और केवल अच्छे गुणों को देखता है. वो दुर्गुण है करके दिखता भी नहीं उनको, नजरअंदाज कर दिखता भी तो नजरअंदाज कर देता. कैसा है, तो आप एक व्यापारी हैं,
दुकान में जाओ, वो क्या कर रहा है, 100 रुपए का वस्तु है 150 रुपए का बोलता है, आपको मालूम है 150 रुपए झूठ बोल रहा है। हाँ, आपका शोषण करने के लिए प्रयास कर रहा, आपको मूर्ख बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ठीक है जाने दो, मीठा बात करता है। हाँ, व्यापारी लोग कैसे एकदम मीठा बात करता है, उनके जो दुर्गुण है उसको नजरअंदाज करके केवल अच्छे गुणों को ही देखना, ये साधु तरा। देखिए साधु होता है वो कौन है, उनको दुर्गुण दिखता है लेकिन फिर भी उसको अच्छा करके मान लेता है, लेकिन साधु तरह होता है उसको दुर्गुण दिखता ही नहीं है। और आगे जाएंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो असाधु तरह, मतलब सेकंड स्टेप के असाधु, वो कौन करते हैं, वो अच्छे गुण होते हैं उसको नजरअंदाज करके बुरे गुण ही दिखता है। घर में साधु आया, सन्यासी आए, बड़ा बड़ा बात तो बोलता है लेकिन छोड़ो, लेकिन लगता है कि वो भूखा है, हमारा दान मांग के हमारा घर लूटने के लिए आया है। इतना अच्छा उपदेश दिया, कीर्तन किया, वो सब दिखाई नहीं पड़ता, क्या दिखाई पड़ता है, कुछ दान मांगने आया, दक्षिणा मांगने आया है, ऐसा लगता है कि घर को लूटने के लिए आए लोग। यानी अच्छे गुण हुए उसको नजरअंदाज किया, दुर्गुणों को देख, ये असाधु तरा। बाद में और एक बात आई, असाधु साधु तमा सर्वोच्च, टॉप मोस्ट साधु कौन है, वो जो दोषान परेशान गुणेशु साधवो गृहंति केचिन्न भवादृशो द्विजा गुणांश्च फलगुण। फलगुण तो थोड़ा सा छोटे से अगर गुण है उसको थोड़ा सा हवा चढ़ाते थे बा करके मानना, छोटा सा गुण है ढूंढते हैं कहाँ अच्छा गुण है उसको ढूंढ के बा करके मानना, उसको क्या कहा गया है, साधु तम मना गया है। चोर आए घर में पूरा लूट के चले गए, लेकिन क्या मानता है, बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने, उसके हाथ में चाकू था, हमको जो प्राण तो त्याग किया ना, बड़ा दयालु है, हमको सब कुछ वस्तु तो लेके गया लेकिन प्राण छोड़ के गया। तो आप सोचो ये प्रभु जी ये सब मूर्खता वाली बातें हैं, इस प्रकार सोचना, हाँ ये सब मूर्खता वाली बातें हैं सोचना, क्योंकि इस प्रकार की अच्छाई जो है उसके बारे में कहेंगे लोग बोलेंगे मूर्ख है। इस संसार में अभी आजकल कलयुग की परिस्थिति है, अगर आप अच्छा हो तो लोग बोलेंगे तो मूर्ख है, ये समस्या, क्योंकि इस प्रकार की साधुत्व का विचारधारा जो है वो इतना कम हो गया, ऐसा कोई हो सकता है करके कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। आगे असाधु तमा, यह असाधु तमा कौन है, वो सोचता है ये जो साधु लोग जो है ना, वो सन्यासी लोग जो है ना, ये नाम के वास्ते घर त्याग कर देते हैं, नाम के वास्ते जंगल में रहते हैं, लेकिन उनका नजर जो है हर व्यक्ति के घर के ऊपर रहता है, हर व्यक्ति का संपत्ति के ऊपर रहता है। नाम के वास्ते उन्हें संपत्ति त्याग किया, लेकिन उनका नजर किसके ऊपर है, सबकी संपत्ति लूटना है उनको। नाम के वास्ते अपनी पत्नी को त्याग किया, लेकिन ये क्या कर रहा है, मतलब इसका नजर सबके ऊपर है, ये असाधु तमाम आदमी। ये कहती हैं दक्षायणी, कहती हैं हे दक्ष, आप असाधु भी नहीं हो, असाधु तरा भी नहीं हो, असाधु तमा भी नहीं हो, आप कौन हो, अति असाधु तमा हो, क्योंकि आपने दोष ढूंढा। कहाँ दोष ढूंढा, शिवजी के अंदर दोष ढूंढा, जिसके अंदर दोष है ही नहीं। शिवजी के अंदर आप दोष ढूंढने से आपने क्या किया, सारा जगत में दोष ढूंढ लिया। जो व्यक्ति सोचता है कि सारा जगत में दोष है, अगर अच्छा व्यक्ति कोई है तो मैं ही हूं, सभी लोग मुझे परेशान करने के लिए, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं प्रभु जी, हाँ अच्छा सब लोग बेकार है, कौन अच्छा व्यक्ति है, मैं ही अच्छा हूं। इस प्रकार के विचारधारा वाला जो है उसको अति असाधु तमा कहा गया है। और साधु कौन है, अति साधु तमा कौन है, जो सोचता है कि संसार में कोई दोष नहीं है,
उसको दोष दिखाई नहीं पड़ता, संसार को केवल अच्छाई मानता है, हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई मानता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को और दुर्योधन को दोनों को बोला गया था, तो युधिष्ठिर महाराज को बोला गया था कि दोनों को बोला ढूंढ के आओ कोई बुरा व्यक्ति को ढूंढ के आओ। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को ढूंढ ढूंढ के आए, ना कि कोई नहीं मिला मुझे, तो आप क्यों आए हो? मैं ही आया हूं क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति बुरा हूं। और दूसरी ओर दुर्योधन, दुर्योधन को बोला गया था कि अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, पूरा ढूंढ 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 के आएगा, खुद आया, बोला कि मुझे मिला ही नहीं कोई। तो क्योंकि आप शिवजी जो है साधारण नहीं है, वो सारे जीवों की आत्मा है, उनके अंदर ढूंढने से, उनके अंदर दोष को ढूंढने से सारे जगत में दोष ढूंढ लिया, इसलिए आप अति असाधु तमा हो, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। केवल शिवजी के अंदर नहीं, ब्रह्मा जी के अंदर दोष ढूंढ लिया। दक्ष ने कहा था, पता नहीं ब्रह्मा ने क्यों कह दिया, क्या कहा, मेरी पुत्री को शिवजी को दे दो करके। ब्रह्मा जी के आदेश के अंदर भी दोष ढूंढा आपने। इतना ही नहीं, अन्य जितने भी लोग बैठे थे उनके अंदर भी आपने दोष ढूंढा। तो आपने सोचा कि जितने भी लोग बैठे सब मूर्ख है, मैं ही अच्छा व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं जब जाता हूं सब लोग खड़ा रहना चाहिए। तो इस प्रकार आपने सारे जगत में दोष ढूंढा। आगे कहती है, नाश्चर्यमेतद् असत्सु सर्वदा महत्विनिन्दा गुणपात्मवादिषु श्रेषां महापुरुषपादपांसवेत् निरस्ततेजसु तदेव शोभनम्। नाश्चर्यमेतद्, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, मैं क्यों अपने आप को आपको बरस रही हूँ, क्यों डांट रही हूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड ही क्या है, इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। ये असत सर्वदा, ये असत लोग होते हैं जो हमेशा अपना शरीर को ही अपना आत्मा मानते हैं, मैं ही शरीर मानते हैं, हमेशा निंदा करते हैं, उनका स्वभाव है। कोई कुत्ता भोंक रहा है, इसमें क्या, कुत्ता भोंकेगा ही ना, इस पर आश्चर्य की क्या बात है, इसलिए आप परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे अपने आप को समझा रही है, इस पर कोई आश्चर्य नहीं है पिताजी, क्या करूँ मैं। गुणवात्मवादिषु श्रेयम महापुरुष पाद पाम सुभेर, वो क्या करता है मालूम है, वो महापुरुषों के प्रति, चरण कमलों के प्रति निंदा करके उनके चरण कमलों का धूल क्या करता है, उनका निरस्त तेजसु, और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही महापुरुषों के चरण कमलों का जो धूली है वही उनका तेज को खत्म करते, तदेव शोभनम। शिवजी का नाम का विशेषता का वर्णन करते हुए, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगमासु हंति तत्। शिवजी का नाम इतना महान है, अगमासु हंति तत्, जो अगम पाप को हरण करने वाला है, द्विअक्षरम शिवा दो अक्षर है, नाम गिरेरितम, अगर कोई व्यक्ति सकृत प्रसंगात, सकृत मतलब थोड़ा सा भी, एक एक बार भी विवशावस्था में अगर शिव का नाम लेता है, सारा जो पाप है वो धुल जाता है। पवित्र कीर्तिम तद अलंग्य शासनम, पवित्र कीर्तिम, शिवजी का कीर्ति जो है पवित्र है, अलंग्य शासनम, जिनका शासन कोई लंघन नहीं कर सकता, भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। ऐसे शिवजी के प्रति आपने द्वेष किया, हो भवान अघम, आपका द्वारा जो पाप किया गया वो पाप का तुलना ही नहीं है। यत्पादपद्मं महतां मनोलिभिर् निवेशितं ब्रह्मरसावसारसासवादिभिः लोकस्य यद्दृश्यति चाशिशोन्तिनस् तस्मै भवान् दुर्यते विश्वबन्धवे। शिवजी का नाम लेने से केवल हमको पाप ही नष्ट नहीं होता है, ब्रह्मवादिभिः, ब्रह्म सुख को प्रदान करने वाले हैं शिवजी। इतना ही नहीं, लोकस्य यद्दृश्यति चाश चाशिशोर्थिनस, जितने भी संसार में लोगों का इच्छा है उन इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है, जल्दी से पूर्ण करने वाले। तस्मै भवान दुर्यति विश्वबंधवे, विश्वबंधवे सारे जगत के लोगों का बंधु हैं, लेकिन ऐसे शिवजी के प्रति आपने द्वेष किया, और कोई नहीं मिला कि आपको। किं वा शिवाक्यम शिवम न विदुस्तव त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तम विकीर्य जटा शटा
ಶ್ಮಶಾನೆ ತನ್ಮಾಲ್ಯ ಭಸ್ಮ ನಿಕಲ್ಪಾಲ್ಯ ಅವಸತ್ ಪಿಶಾಚೇರ್ ಯೇ ಮೂರ್ಧನತ್ವೇರ್ಧದತಿ ತಚ್ಚರಣಾವಸೃಷ್ಟಂ. ಅಚ್ಛಾ ಹೇ ದಕ್ಷ, ಹೇ ಪಿತಾಜಿ, ಆಪ್ನೆ ಶಿವಜಿ ಕಾ ನಿಂದಾ ಕಿಯಾ, ಆಪೇ ಕ್ಯೋ ನಿಂದಾ ಕಿಯಾ, ಕಿಂ ವಾ ಶಿವಾಖ್ಯಂ ಅಶಿವಂ ನ ವಿದುಸ್ತವಾದ್ನಿ, ಕ್ಯಾಂಕಿ ನಿಂದಾ ಕಿಯಾ, ಕ್ಯಾ ನಿಂದಾ ಕಿಯಾ ತಾ, ದಕ್ಷ ನೇ ಕಹಾ ತಾ, ಯೇ ಶಿವಜಿ ಜೊ ಸಮಶಾನ್ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲಾ, ಜಿನ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಆಚರಣ ನೀ, ಕಪಡಾ ಪಹನಾ ಭಿ ನೀ ಆತಾ ಉಸ್ಕೋ, ಹಾಂ, ಸಮ ಭಸ್ಮ ಲೋಕ ಲಗಾ ಕೇ ರಖತಾ, ಕಪಾಳ ಲೇಕೇ ಬೈಠಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಗೌ ಖೂಬ್ ನಿಂದಾ ಕಿಯಾ ತಾ. ಕ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ನಹೀ ತಾ, ಕ್ಯಾ ಶಿವಜಿ ಶಮಶಾನ್ ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕ್ಯೋ ನೇ ನಿಂದಾ ಕಿಯಾ, ಬಡೇ ಬಡೇ ದೇವತಾ ಲೋಕ ಭಿ ಜಾನತೆ ಹೈ ಶಿವಜಿ ಕೌನ್ ಹೈ, ಶಿವಜಿ ಶಮಶಾನ್ ಮೇ ರಹತಾ ಕೇ ದೇವತಾ ಲೋಕ ಭಿ ಜಾನತೆ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ವೋ ಕ್ಯೋ ನಹೀ ಬೋಲಾ, ವೋ ಕ್ಯೋ ನೇ ನಿಂದಾ ಕಿಯಾ, ತುಮ್ ಹೀ ಕ್ಯೋ ನಿಂದಾ ಕಿಯೇ ಹೋ, ಅಗರ್ ಸಚ್ ಮೇ ಅಶಿವಂ ಹೈ तो बाकी लोग भी निंदा करना चाहिए, क्योंकि तुम ही क्यों निंदा कर रहे हो, और कोई नहीं मिला क्या? हाँ, स्थित में जितने बड़े बड़े देवता लोग हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मादयस्तम अविकीर्य जटा स्मशाने तन्माल्य भस्म, जो शिवजी के माल्य निर्माल है भस्म इत्यादि जो शमशान में रहकर धारण करते हैं, उस चीज को बड़े बड़े देवता लोग जो है मूर्धाभिर दधाति चर तत्चरणावसृष्टम, उनके चरण कोमली धूली धूली जो है वो ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता लोग धारण करते हैं. इतने महान महान लोग शिवजी की महिमा को जानते हैं, उनके चरण कमलों को धूली सर पर धारण करते हैं. दक्ष आपने क्यों किया ऐसा, क्या उनके प्रति क्यों आपने अपराध किया? कर्ण विराय निरयादित कल्पयीशे धर्मावतर्य निबेर अस् अस्यमाने चिन्द्यात् प्रहस्य रुशतीम् असतीम् प्रभुश्चेत् जिह्वामसु न विततो विषज्यत् सधर्मः. हे दक्ष, हे पिताजी, आपने क्या किया, बड़ा सा इतना भयानक कार्य किया. शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति वैष्णवों का निंदा करता है उसका जिह्वा काट देना चाहिए, अगर नहीं काट सकता है तो कान बंद करके चले जाना चाहिए, विष्णु विष्णु करके बोल देना, बोल के चले जाना चाहिए, या आत्महत्या कर लेना चाहिए, या उसको वध कर देना चाहिए. लेकिन मैं तो अपना शरीर को त्याग कर दूंगी, क्योंकि दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को होता है, ब्राह्मण वैश्य शूद्रों को नहीं होता. और मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं क्षत्राणी हूँ, हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास दंड देने का अधिकार नहीं है. दूसरा, प्राण को त्याग करना, प्राण को त्याग करना ब्राह्मण का अधिकार नहीं है. ब्राह्मण इसलिए दो क्या करता है, कान को बंद करके विष्णु विष्णु करके चले जाना चाहिए, जहाँ वैष्णव निंदा होता है उधर भाग जाना चाहिए उधर से ब्राह्मणों को, और क्षत्रिय है उसको जीवा काट देना चाहिए. अगर कुछ भी नहीं कर सकता अपना प्राण त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैष्णव निंदा सुन के मैं अपने आप को पवित्र कर चुकी हूँ. बाद में ये कहते हैं, अभी दक्ष की पुत्री होने के नाते लोग मुझे बोलेंगे दाक्षायणी, लोग बोलेंगे तो चलेगा, शिवजी कहेंगे, मेरे पतिदेव कहेंगे, दाक्षायणी करके जब संबोधित करेंगे व्यंग्य रूप में, मैं सहन नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मेरा आपका नाम के साथ संबंध जो है, उस संबंध के द्वारा मेरा जो पहचान है उसको सहन नहीं कर सकती हूं, इसलिए मैं अपना प्राणों को त्याग करती हूं. जिगुत्सितम, अरे कहती है बात को, अगर कोई जहर खा लेता है उसका एकमात्र इलाज है उसका उल्टी करना, इसलिए मैं आपसे आपके शरीर के साथ मेरा संबंध ये जहर के समान, इसलिए मैं उसको उल्टी करके मैं शरीर को नाश कर देना चाहती हूँ. अतस्तवोपनम इदम कलेवरम, इदम कलेवरम, इसको मैं न धारयिष्ये स्थितिकंठ गर्हिणा, स्थितिकंठ गर्हिणा, क्योंकि ये शरीर का संबंध उस व्यक्ति के साथ है जिसने शिवजी का निंदा किया. जगदस्य मोहात् विशुद्धिम अंधसो जिगुप्सितो धर्म नम प्रचक्षते, उधर में जो अगर जहर चले जाता है उसको निकालना ही उल्टी करना एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं. न वेदवादा मनुवर्तते मति, आप जानते हो शिवजी को आपने क्रिटिसाइज किया था कि ये वेदों के नियम को पालन नहीं करता, लेकिन जानते नहीं शिवजी मुक्त जीव है, मुक्त जीव जो है वैदिक नियमों से बंद नहीं है,
उनके बंधन में नहीं है। सैव धर्मे न परम क्षिपेत स्थितः, जो मुक्त होते हैं उनका जो धर्म हो क्या होता है, कृष्ण भजन करना ही धर्म होता है, वेद नियमों के द्वारा बंधन में नहीं है वो। इतना ही नहीं, आपने कहा कर्म प्रवृत्तिम च निवृत्तिम अपि ऋतम। शिव जी ना प्रवृत्ति धर्म से ना निवृत्ति धर्म से बंधे हैं। वेदे विविचेभ्यो लिंग आश्रितम विरोधित युगपदेक कर्तरी द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म नार्चति। द्वयम मतलब दोनों, शिवजी मुक्त होने के नाते वो ना विरक्त का धर्म ना संसारी का धर्म है, दोनों धर्मों से परे हैं ऐसा करके। हाँ, दक्ष कह सकते हैं, हे पुत्री क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को, जानते हो मेरे पास इतना ईश्वर है। तब वो कहती मा व पदव्य पितर अस्मदास्तिता या यज्ञशालो न धुना वर्त्मभिः तदन्न तृप्तेर असुवृत्तिभिर् ईडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। आप सोचते हो आपके पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन संसार में एक ही ऐश्वर्य है, वो है भगवान की भक्ति, वो शिवजी के पास है। आपके पास बड़ा बड़ा यज्ञ करने के लिए, कर्मकांड यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने से अनेकों अनेकों ईश्वर आपको प्राप्त हुआ रहेगा, लेकिन बहुत सारा अन्न प्राप्त होगा, अन्न प्राप्त करके तृप्त हुए रहेंगे। हाँ सुबुद्धि बिर ईरीता, लेकिन ये जितने भी शक्तियां कर्मकांड से आपने प्राप्त किया, वो सारे शक्तियों के साथ साथ में और एक विशेष ऐश्वर्य शिवजी के पास है, वो है भक्ति, और मैं उनकी पत्नी हूँ, और मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मैं शिव जी का अर्धांगिनी हूँ, तो मेरे पास ऐसी भक्ति है। नहीं ते न देहे न हरेर कृताघसो, मेरा जो शरीर है वो बेकार है। क्यों क्यों बेकार है? देहोद्भवे नालम अलम कुजन्म मानहा, आपके शरीर से उत्पन्न हुआ इसकी वजह से मेरा जन्म को कुजन्म मानती हूँ। वीरी व्रीडा ममाभूत कुंजन प्रसंगनागत तज्जन्म दिग्यो महताम अवध्यकृत। ये जो शरीर है, ये जो जन्म है मेरा, आपके संबंध में हुआ, इसकी वजह से इस शरीर के द्वारा मैंने शिव जी के प्रति बड़ा अपराध किया है। क्या फायदा उस शरीर को धारण करने का, जिस शरीर से मैंने एक महान वैष्णव का अपराध किया है, इसलिए मैं अपना शरीर को त्याग करना चाहती हूँ। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणित्याह यदा सुदुर्मनाह। जब मेरे गोत्र के अनुसार शिवजी मुझे संबोधित करने, दाक्षायणी करके संबोधित करेंगे, तो मैं इसको सहन नहीं कर सकती, इसलिए अपने शरीर को त्याग करूंगी करके उसी समय उनके शरीर से ऐसा क्रोध अग्नि भी था, शिवजी के प्रति विरह अग्नि भी था, उस अग्नि के प्रभाव से दाक्षायणी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। भागवत में ऐसा प्रसंग है जिसके अंदर वैष्णव अपराध का प्रसंग अच्छी तरह से अगर वर्णन है तो इस प्रसंग में वर्णन है। खास करके आज प्रार्थना करना चाहिए, देवी से प्रार्थना करना चाहिए, शिवजी की पत्नी सती उनसे प्रार्थना करना चाहिए। आपकी जिस प्रकार का बुद्धि है वैसी बुद्धि हमको ही प्रदान करें, और शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए आपकी जिस प्रकार की वैष्णवता है वो वैष्णवता हमको प्रदान करें, ताकि हम भी कम से कम साधु बने, नहीं तो कम से कम उससे अच्छा है तो साधु तरह बने, नहीं तो और साधु तमा बने, और शिव जी से प्रार्थना करके एक दिन ऐसा हो जब आती हम सब ऐसे साधु बनने के लिए आए हैं सीखें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप कुछ बोलिए सूरदास प्रभु, आप कुछ बोलिए। So without his mercy, we cannot become the wonderful devotees.
So you narrated she asked to come very nicely. Of course, I used to recite in my childhood, but after coming to this temple, I forgot everything what we used to do about Lord Shiva. But nevertheless, this is a remembrance to us by your wonderful class that we have to be very careful and we should always recite this Shivashtakam, which can make us a wonderful devotee. And that's what is required out of us. We have given our life, little life, to this moment and make it glorious by dedicating this life, always reciting these stotras, which will give us a lot of spiritual energy and make us wonderful devotees. Thank you very much, Kamalochan Prabhu. And you integrated your name very nicely. So that's also dakshata of a speaker, that at what time he has to integrate the name and yet see that he is still humble and meek in sort of, you know, explaining what he has explained to all of us today. Thank you very much. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी, एक कमेंट है। जब भगवान शिव जी जगत भक्तों के महिमा और प्रभु के महिमा ये अपार है, जैसे ये आकाश का अंत नहीं है, लेकिन पंछी जो है यथाशक्ति आकाश में उड़ते हैं, तो जितना भी कहा जाए सुना जाए और अच्छा ही है। जब भगवान शिव जी जगत कल्याण के लिए जब समुद्र मंथन हुआ, तो उन्होंने जगत को पालन करने के लिए हलाहल विष को पिया, वास्तव में कंठ में धारण किया, तो उसका दाह शांत नहीं हो रहा था। तब उन्होंने शांत होने के लिए चंद्रमा को अपने सर पे धारण किया, ठंडा है इसलिए। फिर बाद में उन्होंने सांप को गले में लपटा, फिर भी शांत नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने राम नाम का जप किए, तब शांत हुआ। और उन्होंने गंगा धारण की, गंगा धारण करने का और एक कारण बताया भागवतम में, जब गंगा पृथ्वी पर नहीं आ रही थी, बोले जब मैं आऊँगी सारे पापी तो ठीक हो जाएंगे स्नान करने से, लेकिन मैं जब कलुषित हो जाऊँगी तो मेरा क्या होगा। तब उनको ऋषि ने कहा, उनको कहा गया कि अब दूसरा काम था कि आपका जो वेग है कोई धारण नहीं कर सकता है, वो पाताल में चली जाएगी। तब शिव जी से प्रार्थना किया उनको सर पे धारण करने के लिए, और उन्होंने बताया गया कि जब संत महात्मा गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा भी पवित्र हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद, इस ये टाइम है तो कर सकते। लास्ट क्वेश्चन। Question has come from Chakravarti Prabhu. He is asking, what's the significance of Mahashivratri? ये महाशिवरात्रि क्यों है उसके विषय में कोई निर्धारित कोई है नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शिव पार्वती के बीच में विवाह का समय है, कोई कहते हैं शिव जी ने पूरा रात भर तांडव नृत्य किया था, और कोई कहते हैं कि शिव जी ने इसी दिन कोलाहल जो विषय है उसको पिया था। ये कोई निर्धारित कोई मैजे कहीं प्राप्त नहीं हुआ है, और शिव पार्वती का विवाह है ऐसा कुछ लोगों का कहना है, और किसी कोई कहते हैं कि शिव जी ने पूरा रात भर में सृष्टि किया ऐसा कुछ कहते हैं। तो मुझे कोई निर्धारित कहीं से भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग जगह से जो जो चीज़ें सुनने के आए प्रस्तुत किया, बस इतना ही, मुझे कोई ज्ञान। ठीक, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।